हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रामनवमी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है और उनका पूजन विधि क्या है। साल 2019 में रामनवमी 13 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर कहीं कहीं ये 14 अप्रैल को भी मनाया जाएगा जो वैष्णव संप्रदाय मनाएंगे। रामनवमी का अपना एक महत्व है, आप सब जानते हैं। राम जन्म की खुशी में लोग रामनवमी पर्व मनाते हैं और इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। भक्तगण रामायण का पाठ करते हैं, भक्त राम रक्षा सूत्र का पाठ भी करते हैं और कई जगह भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है। लोग अपने घरों और मंदिरों में भगवान राम की मूर्ति को फूल माला से सजाते हैं और स्थापित करते हैं। अब जो पूजन सामग्री है वो मैं पहले आपको बता दूं। पूजा घर में राम जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। राम जी के लिए वस्त्र या दुपट्टा आपको लेकर आना है। राम नाम की किताब होनी चाहिए। कलश में साधारण पानी या फिर गंगा जल रखिए। ताजी और धुली हुई आम की पत्तियां, तुलसी पत्ते और कमल के फूल कंपलसरी है। ताजी हरी घास, चंदन, एक नारियल, रोली, मौली, चावल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, कुमकुम, गुलाल, अगरबत्ती, दीप धूप और माचिस, पेड़ा या लड्डू, ताजी मिठाई प्रसाद के लिए और एक आसन जिस पर आपको बैठ के पूजा करना है। आप दरी भी रख सकते हैं, आप चटाई भी रख सकते हैं। प्राचीन काल से रामनवमी का व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामनवमी के दिन महिला को प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए, घर की साफ सफाई से घर को शुद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात रामनवमी की पूजा करने के लिए स्नान ध्यान से पवित्र होकर प्रभु राम की पूजा करनी चाहिए। श्री राम के लिए अखंड ज्योत जलाएं। धूप दीप को देवताओं के बाएं तरफ और अगरबत्ती को दाएं तरफ रखें। पूजा में तुलसी पत्ता और कमल का फूल अवश्य होना चाहिए। साथ ही कलश और नारियल भी पूजा घर में रखें। खीर और फल फूल को प्रसाद के रूप में तैयार करें। सभी लोगों के माथे पर तिलक लगाएं। आसन बिछाकर कमर सीधी कर भगवान के आगे बैठें। घंटी और शंखनाद करें। राम पूजन शुरू करने से पहले राम जी का आह्वान करें और आरती करें। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करके क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद श्री रामनवमी की पूजा षोडशोपचार करें। रामनवमी के व्रत का कथा सुने और घर के प्रांगण में तुलसी मंडप के समक्ष ध्वजा, पताका, तोरण आदि स्थापित करें। प्रभु राम की पूजा शुद्ध मन और विधि पूर्वक संपन्न करने से व्रती को समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन सभी भक्तों को उपवास करने का सुझाव दिया गया है। भगवान राम की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उसके बाद उन्हें गाय, जमीन, कपड़े, दक्षिणा यथासंभव जो आपकी शक्ति है उन्हें दान देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसके बाद ही राम की पूजा का समापन होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।